हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं स्प्रिंट बैच क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की, उसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, जिसे क्या कर सकते हैं, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अभी हम करके देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। और यहाँ पे क्या कंडीशन ये है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा जा सकता है। तो ये हमने जब कॉन्सेप्ट वीडियोस पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले 1 और 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाके देखिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशंस को देखना, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वहाँ हमने एक नोट पढ़ा था और उसको समझ भी लिया था वहाँ पे कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी लगा दो, जैसे कि जीरो के नीचे 5 लगा दिया, जीरो के नीचे 7, जीरो के नीचे 3 लगा दिया मान लो, तो ये क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसने बोला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका रिजल्ट भी अभी भी कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। साथ में उस पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर है भाई, न्यूमिनेटर में तो जीरो हो सकता है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो लगा के हमने क्या किया, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम बोलेंगे कि इज, जब इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है तो आंसर यस या नो में देना है। तो यहाँ होता है क्या, हाँ होता है। कैसे होता है एक्सप्लेन करके बता दो कि भाई हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं अदर देन जीरो। ध्यान रखना यहाँ पे जीरो बाई जीरो नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर्स देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पी तो जीरो हो सकता है, उसने पी के लिए कोई कुछ थोड़ी ना बोला है। तो हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया और इसका आंसर क्या होगा, यस हाँ हो सकता है। कैसे होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हम लोग इनके इस 4th क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या बोला है, कुछ आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, साथ में इसका रीजन भी बताना है कि कारण क्या है हमारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोला है एवरी एन, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, ये हमने लास्ट स्लाइड पे देखा ही था, ठीक है, सॉरी लास्ट स्लाइड पे नहीं, हमने एक नोट देखा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जब हम नेचुरल नंबर पढ़ के बाद में होल नंबर पढ़ रहे थे, तो उसके बाद में हमने एक नोट लिखा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, भाई एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर्स होते हैं। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं, ध्यान रखना एन मतलब नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर है, इसके अलावा आई यानी इंटीजर है, डब्ल्यू यानी होल नंबर है, क्यू यानी रैशनल नंबर है, यहाँ मैंने लिख भी दिया। तो देखो सारे के सारे ये यहाँ आ रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन सारे के सारे ये यहाँ नहीं आ रहे। तो उसने ऐसा बोला ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं, दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, भाई कैसा क्यों है, ठीक है। फिर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अब इंटीजर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, और डब्ल्यू यानी होल नंबर में क्या आते हैं, ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स आएंगे। तब उसने क्या बोल रहा है कि सारे के सारे ये यहाँ आते हैं, साफ साफ दिख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स यहाँ नहीं आ रहे। तो हम बोलेंगे कि इसने जो स्टेटमेंट बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये, ट्रू है। अब तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैंने लिखा जैसे 1/2 एक एग्जांपल लिया, 1/2 क्या यहाँ आ रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है, नहीं आ रहा, मतलब रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते। हाँ अगर यही स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ होता कि सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या, तो हम बोलेंगे यस, क्यों, क्योंकि सभी के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते थे और 1 को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन अभी उसने क्या बोला है कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। आई होप ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये नोट है, आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर कि कौन सा होगा, यहाँ एन की जगह डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू की जगह एन लिख दिया, तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमारा हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इसको जानो, उसके बाद में ही इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अब उसके बाद में हमारे 2 क्वेश्चन थे जिसके अंदर क्या पूछा है
कि हमारे को दो रैशनल नंबर्स दिए हुए, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। तो इसका भी हमने लेक्चर 1 का लास्ट टॉपिक यही देखा था कि दो रैशनल नंबर्स गिवन हो तो उनके बीच में अदर रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैं अभी उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर वो पूरा अच्छे से समझना है तो आप वो वाला वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो। यहाँ मैं वहाँ पे मैंने दो मेथड्स बताए थे, एक तो क्या मेथड था जिसके अंदर हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके करते थे, एक मेथड था जिसमें हम लोग मीन मेथड फॉलो करते थे जिसके अंदर इन दोनों का मीन निकालते थे, उसका एक रिजल्ट आता था जो इन दोनों के बीच में आता था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लेते हैं। 6 फाइंड करना है तो मैं अगर इसके न्यूमिनेटर को जैसे मैंने मान लो कि 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पहले ये समझो। देखो 3 है, हम 3 को क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करें आगे, ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। हम लोग इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आसानी से हमारे को रिजल्ट मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे 30 हो जाएगा, हाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब 10 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा 6 रैशनल नंबर चाहिए, मैं 5 से भी कर सकता था, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी अभी मैं बता दूंगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 10। अब इसके बीच में क्या क्या रैशनल नंबर होंगे, एक तो 31/10, एक 32/10, एक ऐसे अप टू 39/10। यहाँ तो हमने क्या कर दिए, 9 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए, कोई से भी क्या कर सकते हो, 6 लिख सकते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये भी मैंने एक नोट में बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने जो रिजल्ट निकाला हो, जो आंसर निकाला हो वो अलग आ रहा हो और जो टीचर के पास जो आंसर है वो अलग हो, अदर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर अलग निकाला होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट होते हैं, कौन से 6 तुम पिक करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने बोला कि भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। 5 से करता तो क्या होता, ऊपर बनता कितना 15/5 और नीचे कितना बनता, इधर ये वाला कितना बनता 20/5। तब दोनों के बीच में निकालते तो एक 16/5 होता, एक 17/5 होता, एक 18/5 होता, एक 19/5। यानी हम केवल 4 ही सोच पा रहे हैं। अगर हमें 100 निकालने होते तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते, और बड़ा कर लेते, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो इस तरीके से कोई भी नंबर निकाला जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके से सोचेंगे कि इसके बीच में 5 फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इसको एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, ऊपर हो गया 21/35 और इसको 7 से करोगे दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 28/35। तो इनके बीच में क्या होगा, 22/35 हो जाएगा, 23/35 हो जाएगा, 24/35 हो जाएगा, 25/35, 26/35 और एक 27/35 भी इनके बीच में ही आएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो वाला रैशनल नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो 21 से बड़ा होगा 22, फिर उससे बड़ा 23, उससे बड़ा 24, उससे बड़ा 25, फिर 26, 27, फिर उससे बड़ा क्या होगा 24। तो मतलब ये वाला, ये सारे नंबर्स इससे तो बड़े हैं और इससे छोटे हैं, मतलब ये बीच में लाई कर रहे हैं, हमें बीच वाले ही तो बताने थे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।